दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। मैं हूँ मनप्रीत कौर और आज भी मैं हूँ देहरादून में, पर अभी थोड़ी देर के लिए हूँ, फिर हम निकल रहे हैं हरिद्वार के लिए। तो धूप सेक रही हूँ, मस्त मजा आ रहा है यार धूप सेकने में। मेरे कपड़े का जो कल नए लिए थे, सुन पैक कर दिए, कहाँ रख दिए ना, गाड़ी में पहुंच गए ना वो। बिल्कुल सर, चेक करो सब, तुम कुछ छोड़ के जा रहे? मेरे नया सामान बॉक्सिंग ग्लव्स छोड़ दिए मैंने, मैं रख चुका हूँ वो, मैं तेरे पे जिम्मेदारी लेनी नहीं थी। चलो देखते हैं। मस्त लग रही है ना, मतलब आज तो लगाना चाहिए। 22 तारीख है, छुट्टी है मेरी इस बार। अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन तो बनता हमारा पॉलिटिकल लोग, बहुत बढ़िया लग रहा है। ऐसी मेरी गाड़ी भी जाएगी। देखो पॉलिटिकल लोग हमें नहीं बताएंगे हमें कैसे पूजा करनी है, कैसे हमें सोचना है। अच्छा अच्छा बात है, भगवान वो हनुमान जी वाले। तो अप्पू बोल रहे हैं भगवा झंडा लगवाने के लिए और आंटी बोल रही है कि नहीं। माय गॉड, तुम वहाँ भेज दो मोदी के पास। मोदी जी कह रहे हैं कि भाई ठीक ठीक लगा लो, ठीक ठीक लगा रहे हैं। नहीं वो आंटी कह रही है कि बोल दो पॉलिटिकल पार्टी, आप बोलो, आप पॉलिटिकल पार्टीज नहीं बताएंगी कि हमें किसे पूजा करनी है और कब करनी है। हाँ एग्जैक्टली, इट्स पर्सनल, वेरी पर्सनल मैटर। तो अभी आप देख रहे हैं हमारी राजपुर रोड कितनी प्यारी लग रही है, शांति, क्योंकि सारी भीड़ हो रखी होगी घंटा घर में। बढ़िया हो रही है देहरादून। हाँ। दिन है, भाई कहाँ जा रहे हो? मैं आपको को यही बोल रही, मैंने कहा आपको वहाँ चले क्या, आज बारिश भी हो सकती है धनौल्टी में। नहीं नहीं नहीं, नहीं। तो शाम को 5 बजे जिम कैसे पहुँचेगी मुझे ये बता दो। देहरादून घूमने का दिन है, अपने पहले मोटापे को कम करो। वैसे भी घंटा घर में भीड़ नहीं होगी जब यहाँ भीड़। ना ना वहाँ होगी आंटी पक्का, वहाँ तो पक्का होगी, वहाँ पे स्क्रीन लगी हुई है ना, आप नहीं क्या क्या गाने वाले चल रहे हैं वहाँ, तो मेरे ख्याल से एसबीआई का ध्यान रखना अपने बर्थडे पे का। एसबीआई को नहीं ढूंढ रहा है, साइड में था आगे, घर से था उसके अंदर। हम देहरादून को देख, कोई फोन पे देख लो यार, मैं देख रही हूँ, देख रही हूँ। अरे मतलब सर्च कर लो फोन पे देख। चलो एक रैली दिखी हमें, वरना मैं सो रही थी पूरे देहरादून खाली हो रखा है आज तो। ओ भाई ये तो बहुत बड़ी है यार, तभी उधर खाली हो रखा है बेटा घंटाघर। चलो ये निकाल गड्डी, क्या इनका ये इंसान कब बनेंगे तुम बताओ, अभी ना बनते। क्या हो रहा है यहाँ? कुछ ना हो रहा है, इसकी वजह से हो रही है गाड़ी का कलश यात्रा। छोटे छोटे बच्चों को ये नहीं करेंगे ना, देहरादून में तो कुछ हुआ ही नहीं भाई साहब। हर जगह, हर जगह तो हम आ गए हैं आज दीपा मौसी के यहाँ। क्यूपिड क्यूपिड मेरे से ज्यादा प्यार आ रहा है उसे, पहला नाम मैंने लिया ना, तो बोला सब इसे कॉपी करेंगे अब। वो चिड़ती है जो माँ को से प्यार करते हैं ना, तो वो कहती मुझे कि अच्छा वो बेटी है क्या इसकी? हम घर पे आ गए और हमें लगा कोई है नहीं यहाँ पे, और वो अंदर ही है। कितना सही लग रही है ये दीवार, ये सीलन नहीं आती होगी उनके घरों में। आनंदम फ्री में मिलेगा क्या आज खाना यहाँ पे आनंदम में? देखो हो रहा हो तो करते हैं 10% डिस्काउंट। अच्छा 10% है। तो अभी हम दीपा मौसी जी के यहाँ होके आ गए हैं। आपने उनका गार्डन देखा, वो दीवार वाला कितना मस्त लग रहा था ना, मुझे ऐसी दीवार बहुत पसंद आती है, पर कहाँ लगाए हम लोग। तो इनका एक SBI का काम है, तो अप्पू और गए हैं उधर और मैं यहाँ पार्किंग में बैठी हूँ। आनंदम में आज है 10% ऑफ, मुझे लगा फ्री में खिला रहे होंगे, पर कोई फ्री में नहीं खिलाता भैया। अभी तो हम हरी देहरादून में, तो मस्त सूरज दिख रहा है, हरिद्वार जाके क्या होगा हमारा, क्या होगा अप्पू, कुल्फी जमेगी, कुल्फी बड़ा कुल्फी जम जाएगी यार। रोज यही आ जाया करूं मैं तो, बस पकड़ के बोल रही हूँ। हाँ मेरी प्रैक्टिस भी हो जाएगी लाहौर जाने के लिए। पता है आज बादल हो रहे हैं देहरादून में, मैंने अप्पू को बोला कि अप्पू धनौल्टी चलते हैं, वहाँ हो सकता है बर्फ भी पड़ जाए,
पर अपू ने मना कर दिया, और अगर पड़ी वहां पे तो मैं गुस्सा हो जाऊंगी अपू से। मैंने कभी नहीं देखी यार स्नोफॉल, और आज देखो बादल हो रहे हैं यहाँ पे, दिख रहे हैं ना आपको? तो मसूरी और धनौल्टी में चांसेस है नहीं है बारिश होने के लिए? नहीं है। है चांसेस है? नहीं है। है? नहीं है। चुप रहो, चुप रहो, चुप रहो, चुप रहो, चुप रहो, चुप रहो, चुप रहो। अगर आ गया ना न्यूज में कल की मसूरी में बर्फबारी हुई है तो क्या कर लेंगे? और सारे मैं बस पकड़ के चले जाऊंगी, और तू बनाता रही हो रोटियां घर में फिर अपने लिए। मैं रोटी क्यों ना, पिज्जा मंगवाऊंगा। मंगवा ले, मंगवा ले, बाहर खाऊंगा। आई डोंट केयर, पैसे तो चवन्नी में दूंगा। पैसे मैं, मेरे पास, मैंने इसीलिए तो सोने की रिंग रखी हुई अपने पास छुपा के, मेरे को जब जरूरत पड़ेगी मैं स्नोफॉल देख लूंगी। मुझे जाना पड़े, कभी मुझे जाना पड़े। वाह, वीडियो बनाओ, वीडियो। पूरा घंटा घर पे भीड़ लगी हुई है, तुम कहाँ गुजार रहे हो गाड़ी भीड़ में? राम आएंगे। सब जगह हो चुका भंडारा, तुम लेट हो बेटा। भंडारा तो पेट तो जगह तो है नहीं, पेट जाम जाम लगा हुआ है। और अप्पू को जाना है चक्राता रोड, घंटाघर जाना, पहले मेन चौक से ही खरीदना है कुछ। ठीक, मेन चौक से आज ही खरीदा था, कल खरीद लेता बेवकूफ। तूने कहा था कल खरीद लेंगे, आज भी आज का कल हो जाता है, कल का आज हो जाता है, तुम्हारा 2 सेकंड लगता है। तो मेरे को मसूरी नहीं लेके गए मेरे को, तुम्हें समय भी कहाँ है मसूरी जाने का? कल ऑफिस नहीं जाना क्या मुझे? कल किस बात की? राम जी रेस्ट भी तो करेंगे। राम जी तो रेस्ट ही कर रहे थे, अब तो राम जी आए हैं। ये जा रहे हैं जय श्री राम के नारे लगाते हुए, और दून लव पे ये लड़कियां फोटो खिंचवाते हुए, और ये लड़का भी आगे कि मैं फोटो खींचता रहूंगा क्या, मेरी भी फोटो खींचो। चलो जय श्री राम, हर जगह यही गाने चल रहे हैं आज। देखो जरा यहाँ पे कुछ लंगर मिल रहा है फ्री में, मजा आ रहा है ना लोगों को सब जगह खा रहे हैं। में फिर तुम कहोगी मेरे तबियत खराब हो गई, मेरे को ये यार गरम गरम खाने में कितना मजा आएगा। नहीं ना मैं दूं गरम गरम तुझे। डोमेस्टिक वायलेंस, डोमेस्टिक कहाँ, घर के बाहर है तू? गाड़ी अपनी है, गाड़ी घर के बाहर रहती है। वो देखो भगवा बलून कितने प्यारे लग रहे हैं, पर मेरे को व्यू बिल्कुल नहीं आ रहा है, कहाँ से दिखाऊं मैं? चल रहा है यहाँ पे, कुछ नहीं दिखा पा रही हूँ मैं आप लोगों को। देखे ना जैसी तुम घंटा, मेरी शक्ल ही देख लो यार, मेरी शक्ल ही देख लो। रोती भी नहीं है, देखो हंस रही हूँ। ये देखो मेन घंटा घर पे क्या हो रहा है आज। अलग सीन चल रहा है भाई। अरे वाह यार, भीड़ बहुत है ना, थोड़ा डर भी लगता है ना। तो हमारी दुकान खुली है हितकारी आयुर्वेदिक,
अब मैं घंटाघर पहुंच गई हूँ और वो जलूस भी घंटाघर में पहुंच गया है जो पीछे था। कहाँ से है जगह, कहाँ से जाए, कहाँ से जाए। ओ भाई साहब, अंदर जा रहा है पूरा जलूस। ऊपर से ले लिया, राइड तो बहुत भीड़ मिलेगी। तो ये हाल हो रहा है घंटाघर का आज, पूरा कार्निवल टाइप हो रखा है। चलो अब खाली हो गया है, अब इन लोगों को भीड़ मिलेगी और हम लोग ऊपर की साइड से कहीं से निकल जाएंगे, क्योंकि उस तरफ जाना बहुत बड़ी वो होती, हम लोग फिर जाम में फंस जाते हैं। इसलिए हम लोग ऊपर राजपुर रोड की तरफ से निकलेंगे अब हरिद्वार के लिए। आज सिर्फ घंटाघर के पास भीड़ है, बाकी जगह सब खाली मिलेगा आपको, सब खाली हो रखा है, बहुत कम लोग हैं। हनुमान जी है इसमें तो, देख लेना बाहर निकल के, कोई मना नहीं कर रहा। चलना यार, अरे इसकी नानी की जगह तू निकलना, जाना मुनि। अच्छा ये जगह तो बंद ही कर दी इन्होंने। जय श्री राम। अबू अब तो देख इधर बंद ही कर दिया, जाना हम लोग सही टाइम पे हो गए हैं, मतलब हम इधर से गए हैं ना। हाँ, हम इधर से ही तो गए हैं, अब तो अब नहीं है लाओ यहाँ पे, देखो बैरिकेड लगा दिए इधर, अब वहाँ पे ज्यादा भीड़ होगी ना। चक्राता रोड की झांकी देख ली, घंटाघर की झांकियाँ देख ली, पलटन की थोड़ी सी देख ली, और एशले हॉल पे भी हनुमान जी जा रहे थे, पूरा बॉडी बिल्ड हो रहा है। और अब देखते हैं आगे क्या मिलता है हमें, कोई सरप्राइज, कौन सी झांकी मिलती है। तो ये आ गए हैं हम अभी परेड ग्राउंड की तरफ, और यहाँ पे फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं खूब सारी इमरजेंसी पर्पस के लिए। और ये हो रहा है 26 जनवरी की तैयारी भी हो रही है भाई। ओह माय गॉड, झंडे देखो कितने सुंदर लगा रखे हैं, वो परेड वगैरह चल रही है, यहाँ 26 जनवरी की तैयारी अलग चल रही है। वो देखो ऑरेंज झंडा कहाँ गया है, मस्त है वो, जिसको लेना हो ले लेना भैया, हम तो नहीं ले रहे। ये लो जी खरीद ही लिया हमने, हैं बताओ। और बिल्ली क्या हाल चाल, हमें भी पार्टी दे दो यार, पार्टी नहीं देते हमें, एम्स में जॉब लगी हुई है। पार्टी तुम्हारे घर आएंगे तब करेंगे, हमारे घर आ जाओ तो हमें आ जाएंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ठीक है, हमारा फ्लेक्सिबल है। ओके बाय। सारा देहरादून और भीड़ कहाँ पहुंच रखी है, घंटाघर पे, और सड़कों पे काली पड़ा हुआ है बिल्कुल, मतलब एक आधी गाड़ी दिख रही है बस। हम जैसे लोग हैं जो हरिद्वार घर वापस जा रहे हैं, और बाकी सब घंटाघर पे है, वहाँ पे कर रहे हैं जय श्री राम को वेलकम। पहले हॉल के बाद अब दिखा है मुझे ये फन वैली के पास एक जुलूस। सब पे है अब, सही है सही है। हरिद्वार पहुंच गए हैं, ये बादल भी बता रहे हैं और कोहरा भी बता रहा है। बादल नहीं है एक्चुअली, आसमान तो दिखता ही नहीं है हमारे हरिद्वार में, ऐसे सफेद सफेद ही रहता है, नीला आसमान बस देहरादून में दिखता है। तो अभी देखते हैं यहाँ पे कैसा माहौल हो रहा है, यहाँ पे कैसे सेलिब्रेट किया जा रहा है देहरादून का। तो हम देख चुके हैं कि बहुत जोरों शोरों से सब लोग, मतलब सब सड़कों पे उतरे हुए हैं, सब बहुत अच्छे सेलिब्रेट कर रहे हैं आज का दिन। तो अभी हमें नहीं पता हरिद्वार में कैसा सेलिब्रेट हो रहा है, क्योंकि कल तो जो हमारी कॉलोनी है दीपगंगा में, वहाँ बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया गया है। वहाँ पे शोभा यात्रा निकली थी दीपगंगा में, और मैं नहीं थी वहाँ पे, ड्रोन से पूरे एरिया में शोभा यात्रा में फूलों की वर्षा करवाई गई थी। तो आज नहीं देख, आज पता नहीं क्या होगा, देखते हैं। और कोहरा देखो जरा आप आगे दिखेगा, कोहरा दिख रहा है, कोहरा लग रहा है मुझे तो, पूरी तरह से कोहरा।
ये देखो धूल है धूल है धूल है धूल है, कोहरा नहीं है, कोहरा नहीं है। देखो उड़ रही है ना वहाँ पे, काम चल रहा है स्काई। कम भीड़ है कि हम नॉर्मली यहाँ से जा रहे हैं, वरना यहाँ पे घिचपिच हो रखी होती है बहुत ज्यादा। तो आज सब घरों में बैठ के टीवी देख रहे हैं और ठंड का मजा ले रहे हैं और लाइव टेलीकास्ट देख रहे हैं और अयोध्या का, मुझे ऐसा लगता है। आप क्या कहोगे इस बारे में, है ना, यही हो रहा है ना, मूंगफलियां खा रहे होंगे घर में बैठ के। हाँ तो सड़कों पे बहुत ही कम है, वो भी देखो बस बहुत धीरे जा रही है, इस वजह से हम लोग को धीरे चलना पड़ रहा है, वरना है नहीं कोई सड़कों में। हरिद्वार इतना शांत देखा है कभी, कितनी शांति लग रही है यार, ऐसा लग नहीं रहा हम हरिद्वार जा रहे हैं। बिल्कुल लोग बाग आराम से गाड़ियां चला रहे हैं, कहीं किसी को जल्दी नहीं है जाने की। अरे देखो जरा ट्रक का बुरा हाल है, ट्रक का, वरना यहाँ पे जाम लग गया होता अगर ये ट्रक पहले मतलब और दिनों में कभी खराब हो रखा होता तो। जरा हर की पौड़ी देखें, सजा रखी है, लड़ियां वड़ियां लगी हुई है हर की पौड़ी पे, और ये है शिव मूर्ति, वो देखो लड़ियां लगी हुई है यार, सुंदर लग रहा है, रात को बड़ा सुंदर लगेगा मुझे लग रहा है। जो इतनी शांति यहाँ दिख रही है ना सड़कों पे, सारी भीड़ वहां होगी हर की पौड़ी पे, आज भीड़ है वैसे इतनी नहीं है, और आज तो गंगा आरती में भी भीड़ नहीं लग रही मुझे। पहला वो देखा मैंने जो जा रहा है, बस अकेले लोग जा रहे हैं हरिद्वार में। मुझे वो? कौन? तेरा फ्रेंड था क्या? हो सकता है। आज तो यहाँ पे भी खाली हो रखा है यार, वरना यहाँ कितनी भीड़ होती है। अप्पू खाली है आज यहाँ भी पे, प्रोग्राम भी हो रहा है कुछ, दिए भी जला रहे हैं, रंगोली बन रही है, और यहाँ शांति है, कुछ नहीं हो रहा, सब अपने। यहाँ पे पहले इतनी भक्ति होती है ना कि लोगों को अलग से भक्ति करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। बेटा वहाँ तो रात को भी हो रहा था देहरादून में, रानीपुर मोड़ तो फिर भी कुछ नहीं सजा हुआ था, और थोड़ा सा यहाँ पे दिख रहा है कि हाँ है कुछ हो रहा है कुछ। शिवालिक नगर में हमारा कहीं कुछ नहीं हो रहा था, रानीपुर मोड़ पे तो शांति हो रखी थी बिल्कुल, लग ही नहीं रहा था कि आज हम लोग वो देख के आए कुछ। देहरादून में इतना जुलूस निकल रहे हर जगह, बस यहाँ दिखाया हमें हरिद्वार में शिवालिक नगर। कोहरे की वजह से लोगों का जोश कम हो गया हरिद्वार में। हाँ ये भी रीजन हो सकता है कि ठंड में थोड़ा कम सेलिब्रेट कर पा रहे हैं। इतनी ठंड वहाँ पे भी बढ़िया धूप निकली हुई, बढ़िया तो नहीं पर फिर भी अच्छी धूप निकली, पर एक धूप से पॉजिटिविटी आ ही जाती है यार लोगों में काम करने की। यहाँ पे अभी शिवालिक नगर में जो वहाँ पे अभी कर रहा है, वहाँ पे पहले आग लगा रखी उन्होंने, फिर वो वहाँ पे खड़े होके थोड़ा सा कर रहे हैं कि हाँ भाई आज ये मतलब है दिन, प्रसाद बट रहा है यहाँ पे, नहीं पीला लग रहा है लेना। भगवती छोले भटूरे वाले ढूंढ रहे थे, तीन चक्कर काट लिए यहाँ पे पर मिला ही नहीं, तो अब हम सोच रहे हैं कुछ हल्का फुल्का खाते हैं, कुछ कैफे वगैरह ढूंढते हैं कोई, चलते हैं फिर। 10 रुपए की चाय मैं तो पीऊंगी नहीं, अप्पू पिएगा। अंधेरा सो रहा है तो भी हम एक कॉर्पोरेट चाय वाले पे और हम कुछ स्नैक्स ऑर्डर कर रहे हैं, तो वो खा के फिर जाएंगे घर। मैं सोच रही थी पता नहीं क्यों अंधेरा रखा, लाइट गई हुई थी, अब सही हो गया। हरी श्री पटैटो आ गए, देखने में तो अच्छे लग रहे हैं, कैसे है खाने में? इसमें इंटरेस्ट आ रहा था मुझे, प्लेट नहीं देंगे कोई? मंचूरियन कच्चे हैं अंदर से, पके नहीं है, आटा मुंह में लग रहा है। बोलो क्या? बोलो। नूडल्स प्लस मंचूरियन थे 359 के, बिल्कुल टेस्टलेस, और हनी चिली पटेटो का 180 का, जिसमें सिर्फ आलू थे और कुछ था नहीं। वेस्ट ऑफ मनी है ये कॉर्पोरेट चाय वाला सच में, भैया को बताऊंगी, भैया बहुत ही बेकार खाना था। हमने क्या बोलते हैं फ्राइड वो मंगवाया, क्या बोलते हैं कॉम्बो नूडल्स का और उसका मंचूरियन का, ठीक है। मंचूरियन इतने बकवास थे कि कच्चा आटा मुंह में आ रहा था, बहुत ही टेस्टलेस थे वो नूडल्स। मेरे इतना दिल था नूडल्स खाने का, नूडल्स तो यार कहीं भी चले जाओ आपको अच्छे ही मिलेंगे ना, तो आपको एक सेफर साइड रहता है कि आप नूडल्स मंगवा लो टेस्टी होंगे, पर कोई बेकार नूडल्स भी बना सकता है। वो यहाँ थे कॉर्पोरेट चाय वाला में, बहुत ही शिवालिक नगर वाला तो बहुत ही बेकार लगा मुझे,
मैंने रानीपुर मोड़ वाले पे खाए हैं चीजें, वहाँ पे मुझे टेस्टी लगा था इसलिए मैं गई यहाँ पे। मैंने कहा सेम ही होगा सब चीजें, पर सेम नहीं है। यहाँ पे तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। हनी चिली पटैटो मंगवाया था, हनी चिली पटैटो में सिर्फ पटैटो ही थे और ऊपर से तिल थे ना, उसमें शिमला मिर्च थी, 2-3 शिमला मिर्च के पीस दिख रहे थे। भाई वेजिटेबल तो दिख ही नहीं रही है कहीं, ना प्याज दिख रहे हैं ना कुछ, बस आलू भतल के रख दिए हैं मीठे करके। ये कोई तरीका है क्या यार? तुम 180 रुपए का दे रहे हो अगर, तो कम से कम एक आपको करना चाहिए ना, मतलब वेस्ट ऑफ मनी है ऐसे ही। जब नाम के कैफे खुल जाते हैं, चाय वाला कैफे, पर आप वो चीज तो खिला ही नहीं रहे हो ना जिसके पैसे ले रहे हो आप। सबसे ज्यादा रौनक तो हमारे दीभंगा में ही है भाई साहब, पूरे हरिद्वार में कहीं रौनक नहीं दिखी, और हमारे दीभंगा में आती देखो घरों में भी लड़ियां लगी हुई है, और मतलब हमारे सोसाइटी वालों ने भी बहुत ज्यादा मतलब सजा रखा है, और शोभा यात्रा तो निकाली ही निकाली है, और हरिद्वार में कहीं नहीं दिखी भाई मुझे रौनक, सही बता रही हूँ। दिए भी लगे हुए हैं भाई, पटाखे भी चल रहे हैं, दिए लग रहे हैं, पटाखे चल रहे हैं भाई, पटाखे भी चल रहे हैं। कहाँ दिखा पूरे हरिद्वार में कहीं नहीं दिख रहा था, कहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है पटाखे। देखा कितनी बढ़िया सोसाइटी में रहते हैं हम लोग, सब सेलिब्रेशन होता है यहाँ पे बढ़िया करके। दिवाली मनाई जा रही है हर जगह, ये देखो दिए लग गए हैं हर जगह, ये देखो दिए लग रखे हैं। तो देखा आपने हमारे, ये तो दीभंगा वालों ने सजा रखा है, और हम लोग आ गए हैं यहाँ। तो दोस्तों घर पहुँच गए हैं हम, और हमारा डब्बा एक पार्सल का भी आ रखा है, और आप खुद ही खाएगा उसको। नाना क्या है इसमें दिखाओ क्या है इसमें, क्या है शैम्पू नहीं, बस कागज मंगाए थे मैंने ना ठूसने के लिए, ले कुछ लीक हुआ बट ठीक है, होता ही है। और ये टांगने वाले ये दिखाना कैसे वाले, और ये कहते हैं पूरे खत्म हो जाते हैं, ये बिल्कुल भी नहीं बचते। और आपने देखा हमारा दीभंगा कितना रौनक वाला था, सब जगह मतलब आवाजें आ रही थी, और गाने वालों की भी, और चीजें सब बढ़िया करके होता है यहाँ पे, मस्त है हमारी सोसाइटी ये। तो दोस्तों इस वीडियो को मैं यही पेंड करती हूँ, हरिद्वार में इतनी रौनक नहीं थी जितनी की हमें देखी देहरादून में। तो अब देहरादून तो है ही बेस्ट ना, धूप भी निकलती है रोज। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ ये मेरी जैकेट देखी आपने, नई ये मैंने मैडम से ली है, नई जैकेट ऑफर चल रहा था, ऑफर ऑफ। मिलते हैं बाय। हो गई दिवाली।